करण सिंह की फिल्म बॉस तब से सुर्खियों में है जब से फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है। इस फिल्म को साइन करने के लिए पवन सिंह ने सिर्फ 101 रुपए की रकम ली, तब से ये फिल्म कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गई। फिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर भी पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू और फिल्म की हीरोइन की बॉन्डिंग देखने को मिली और अब फिर से फिल्म सुर्खियों में है। फिल्म के निर्माता प्रेमांशु सिंह हैं तो डायरेक्टर अरविंद चौबे हैं। लेकिन फिल्म सुर्खियों में फिर से क्यों है, अब आप जान लीजिए। फिल्म सुर्खियों में इसलिए है कि बॉलीवुड के विलन महेश मांजरेकर पहली बार पवन सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा में फिल्म बॉस में निगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे। जी हाँ, इसकी पुष्टि खुद फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने की है। महेश मांजरेकर की ये पहली भोजपुरी फिल्म होगी। इसके पहले महेश ने कभी भी किसी भी भोजपुरी फिल्म में काम नहीं किया है। पवन सिंह की फिल्म बॉस अगले साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म को बड़े ही स्केल पे बनाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि फिल्म में कई बॉलीवुड के चेहरे नजर आएंगे। वैसे विलन के रूप में महेश मांजरेकर की पुष्टि कर दी गई है, तो अब आप सिनेमाई पर्दे पर महेश मांजरेकर को पवन सिंह के हाथों पिटते जरूर देखेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।